हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। और मैं दीपक शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने इस नए व्लॉग में। और सुबह के 6:30 बजे हम लोग निकल पड़े हैं अपने एक नए सफर के लिए। फाइनली वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द रोड ट्रिप टू वैष्णो देवी, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। वी स्टार्टेड एट 5 AM और अभी हम लोगों ने एट द स्पीड ऑफ 120 3 घंटे में हमने जलंधर पे लगा दी गाड़ी। और थैंक्स टू मिस्टर विशाल फॉर हिज अमेजिंग स्किल्स ऑफ ड्राइविंग। और अभी तकरीबन 4 घंटे हमें और लगेगा कटरा पहुंचने में। तो स्टे ट्यून्ड, अभी टाइम है ब्रेकफास्ट, सो विल हैव ब्रेकफास्ट एट हवेली। और पराठा जो है फेमस है हवेली पर, तो लेट्स ट्राई दिस फूड आउट हियर। तो ये हवेली सबसे पुरानी हवेली है, जो कि आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट हवेली जो स्टार्ट हुई थी। और बाद में हवेली ढाबा की जो चेन है पूरे नॉर्थ में खुल गई है, बट दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ द हवेली विच हैज़ बीन स्टार्टेड इन जालंधर। तो अभी खाना खाते हैं यहाँ पे और थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, देन विल मूव अहेड। हियर वी आर एट द हवेली और अभी टाइम है ब्रेकफास्ट करने का। और 3 घंटे के सफ़र के बाद फाइनली अब भूख लगी है। और हम लोगों ने 3.5 घंटे की अमेजिंग ड्राइव के बाद 3.5 घंटे में जालंधर पहुंच गए कुंडली से, थैंक्स टू दिस जेंटलमैन, ही इज़ द वन हु हैज़ मेड दिस पॉसिबल। I was also co-driver. Yes, he was the co-driver and he is Mr. Anoop. Look like Dashing I made model. Sure that everyone is. अरे कहना क्या चाहते हो? The offensive sound. Yes, yes. Yeah, all credit goes to this person. Even though I was driving. भाई लोगों, हम लोगों ने ऑर्डर दिया है पनीर के पराठे, गोभी के और आलू के। तो मुझे जो ज्यादा अच्छा लगा जो पनीर का लगा है, बाकी भाई लोगों को आप बताओ व्हाट यू लाइक। आई लाइक गोभी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, अमेजिंग एक्सपीरियंस हियर। अभी खाना ख़त्म नहीं हुआ है, शो इज स्टिल गोइंग ऑन, तो मिलते हैं। ब्रेकफास्ट हो गया है हम लोगों का और अभी आगे का सफ़र हम जारी कर रहे हैं। और कटरा पहुँचने में तकरीबन 4 या 5 घंटे हमें लगेंगे। और प्लान ये है कि ब्रेकफास्ट हो गया है हमारा और लंच का सीन ऐसा है कि हम लोग करेंगे जमींदारा ढाबा। सो गाइस, माय फ्रेंड्स वांट टू मेक मी अ ट्रिप टू युगांडा दिस टाइम, एंड दिस टाइम वी गोना बी रॉक बिकॉज आई विल बी अकंपनी बाय मिस्टर सुनील एंड वी विल गो टू युगांडा, वी विल हैव फन ओवर देयर, यू विल एंजॉय। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो भाई लोगों, हमारे दो दूसरी गाड़ी पीछे रह गई है, पता नहीं कहां पर है, क्या है, समझ नहीं आ रहा। ये सुनील जी हमारे कमेंट्री करते हुए आपके स्क्रीन पर, बोलिए बोलिए बोलिए। क्या बोलूं, अल्फाज ही खत्म हो गए हैं जैसे ही कैमरे को देखो। कैमरा कॉन्शियस है, लेकिन हम इनकी आने वाले 2 दिनों तक इनकी जो फोबिया है कैमरे के सामने, हम पूरी तरीके से इनको एक नया सुनील बना के भेजेंगे यहाँ से। और दैट इज माय प्रॉमिस टू यू गाइस। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, वी आर जस्ट हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ कश्मीरी कुजीन और कश्मीरी रोट, जो ये एक स्पेशल कश्मीरी डिश है जो कि आपको स्पेशली जम्मू और कश्मीर में ही मिलेगी। दिल्ली NCR में आई डोंट थिंक सो, अगर कश्मीरी फैमिलीज वहाँ पे रहते हैं तो यू विल गेट ओनली इन दो फैमिलीज। सो आई एम जस्ट गोइंग टू हैव दिस एक्सपीरियंस ओवर हेयर इन जम्मू विद ऑथेंटिक टेस्ट। मैं बताता हूँ आपको कैसा है इसका टेस्ट।
So this is Kashmiri arrot and I'm going to taste it. This is amazing. This is amazing. What an incredible experience that was. दोस्तों ये जो मैंने अभी डिश खाई इसको बनाने का पूरा प्रोसेस है तकरीबन 7 से 8 घंटे का प्रोसेस है. इट्स वाज इनक्रेडिबल. और तकरीबन 4 से 5 किलो देसी घी यूज होता है इस अरारोट जो कश्मीरी रोट को बनाने में. तो इट वाज इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस. कश्मीरी कुजीन का एक अलग ही एक्सपीरियंस था. अमेजिंग. ये कटरा रेलवे स्टेशन का विहंगम दृश्य है. देखिए ये कटरा रेलवे स्टेशन है हमारे सामने और जस्ट इसके अपोजिट ये है ये हॉलीडे इन. तो जस्ट अ वॉकिंग डिस्टेंस कटरा रेलवे स्टेशन से बाहर आइए और सीधा हॉलीडे इन में चेक इन कीजिए. तो बिल्कुल जस्ट ये हमारे फाजिल दोस्त जो कि 14 घंटे की ड्राइव करके 700 किलोमीटर्स नॉन स्टॉप. I'm feeling like I'm kind of a professional driver. Yes, indeed. But this is how it is. Indeed. With the blessings of Jai Mata Di. Jai Mata Di. Yes. So I was able to draw down. आई मस्ट टेल यू ये जो स्पीड है ना ये सिर्फ ये माता की वजह से ही है. आप लोग जब भी वैष्णो देवी की अभी देखो अभी हम लोग 12 घंटे की ट्रिप करके आए हैं. 2 घंटा भी हार्डली रेस्ट करेंगे. वी आर नॉट फीलिंग टायर्ड बिल्कुल भी नहीं. माता का बुलावा है और क्या मतलब अमेजिंग कोई थकावट नहीं एक्सपीरियंस है. तो गाइस ये रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी है अगर आपको यात्रा करनी है. तो सब लोगों ने आप देखिए वो तो सब लोगों ने अपना अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड ले लिया है और आपको हमें रूम नंबर भी मिल गया. रूम नंबर बताना अनिवार्य नहीं है वीडियो में. सो इट वाज वेरी स्मूथ ट्रांजिशन. हार्डली 1 मिनट भी नहीं लगा होगा रजिस्ट्रेशन कराने में. जगह जगह यहाँ पर कटरा में रजिस्ट्रेशन काउंटर बने हुए हैं तो आप कहीं से भी रजिस्ट्रेशन करा के अपना कार्ड कलेक्ट कर सकते हैं. और रजिस्ट्रेशन केवल 8 बजे तक होता है. ध्यान रखिएगा 8 बजे तक. It's a view from my hotel. और ये देखिए ये हमारे अनु भाई जरा आराम फरमा रहे हैं. इन्होंने भी 10 घंटे की ड्राइव करी है. पता नहीं 10 घंटे या 12 घंटे. और ये एक छोटा सा टूर हमारे रूम का. तो हॉलीडे इन की जैसी प्रॉपर्टी नॉर्मल होती है एग्जैक्टली सेम इंटीरियर दे हैव यूज्ड हियर इन कटरा ऑल्सो. बट अमेजिंग लग्जीरियस है थोड़ा स्पेशियस है और कम्फर्ट के मामले में अव्वल. तो अभी टाइम है थोड़ा रेस्ट करने का क्योंकि चढ़ाई करनी है हमें तकरीबन 8:30 बजे. अभी बजे हैं 6 तो 2 घंटे थोड़ा रेस्ट करते हैं उसके बाद फिर हम मिलते हैं चढ़ाई करते हुए. बाय बाय.